हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ये है वर्मिसली का एक वेरिएशन, ये मैंने बनाया था। कुछ कुछ चीज़ें इसमें, कुछ कुछ नहीं, लगभग बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें चेंज करके बनाया था। ये टेस्टर था एक तरह से, इसलिए मैंने इसका रेसिपी रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज आई वॉज़ नॉट श्योर कि ये अच्छा निकलेगा कि नहीं अच्छा निकलेगा। बट बनने के बाद ये बहुत अच्छा बना, सबको पसंद आया। तो नाउ आई एम थिंकिंग कि इसका रेसिपी मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में दे दूँगी। मैंने उम्मीद नहीं की थी जितना ये अच्छा बनेगा, इसी वजह से रिकॉर्ड भी नहीं किया। और कभी कभी हमारा मूड और एनर्जी एंड ऑल्सो बॉडी ऐसी होती है कि सुबह उठकर आप अच्छा ब्रेकफास्ट बना पाएँ, काम कर पाएँ ज़्यादा। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है ना, हम बहुत लो एंड डाउन फील कर रहे होते हैं, पर ब्रेकफास्ट तो बनाना ही होगा। तो ऐसे दिनों के लिए वर्मिसली, पोहा, सूजी वगैरह के जो नाश्ते होते हैं ना, बहुत काम आते हैं। क्योंकि ये मैं नहीं कहूँगी 2-4-5 मिनट में बन जाते हैं, बट फटाफट से बन भी जाते हैं। उतना ज़्यादा वक्त जैसे पराठा या कुछ और रेसिपी बनाने में लगेगा, उतना वक्त इनको नहीं लगते हैं। तो आप अपने घर में ना वर्मिसली, सूजी, पोहा, इस तरह की चीज़ें हमेशा स्टॉकअप करके रखें फटाफट ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और ये देखिए, ये है अरोमा डिफ्यूज़र, अच्छा है ना? ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया है। और इसके अंदर है ना इस तरह का कैंडल जाता है, कैंडल भी मैंने मंगाया है। मुझे पता नहीं था कि इसके साथ आए हैं, इसके साथ लाइक मैंने ये दो मंगाया है ना, तो हर एक के साथ दो कैंडल और एक एसेंशियल ऑयल आया है। एसेंशियल ऑयल मेरे पास ऑलरेडी है, कैंडल मैंने एक्स्ट्रा मंगा लिया है, बट इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आ गया है तो अभी इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे कैंडल आने तक का वेट करना होता। तो ये मैंने इसलिए मंगाया है बिकॉज़ जो बेडरूम है ना उसमें एक अरोमा डिफ्यूज़र है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। बट बाहर वाले रूम में जो अरोमा डिफ्यूज़र है ना, वो दीपक वाला है, और आप सारा दिन तो दीपक नहीं जला सकते ना। तो कभी कभी जैसे अभी बारिश भी लग जाती है तो ज़रूरत महसूस होती है फिर खुशबू की, और हर वक्त वो फ्यूम वाले जो रूम फ्रेशनर्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुझे पसंद भी नहीं है। सानवी खुशी के रूम में एक है भी रूम फ्रेशनर है, सानवी खुशी के रूम में जो एयरविक का है शायद, वो उसमें से लाइक ऑटोमेटिक जो होता है ना, मैं आपको ला के दिखाती हूँ जस्ट अ सेकेंड। ये वाला, ये ग्लेड का है, एक ऐसा ही एयरविक भी है, तो एयरविक बेडरूम में लगाया हुआ है और ये सानवी खुशी के रूम में। ये बहुत अच्छे हैं, मुझे इनसे कोई इशू नहीं है। वो ऑटोमेटिक स्पिट्स फॉर्मूला वाले हैं, बट द थिंग इज़ कि इसका जो रिफिल है ना वो बहुत महंगा है। ग्लेड का तो सुपर एक्सपेंसिव होता है, बट इसमें एयरविक का डाल देती हूँ मैं। एयरविक का जो होता है ना रिफिल, वो ग्लेड के इस तरह के क्या बोलेंगे इसे, रूम फ्रेशनर में भी सेट हो जाता है। ये देखिए एयरविक का है ये, और एयरविक की अपने बॉटल में भी फिक्स हो जाता है ये। बट ये भी एक्सपेंसिव है यार, 300-350 पता नहीं कितने रुपए का आता है। और ये वाला तो बहुत ही गंदा है, इसकी खुशबू अच्छी है वनीला लाइक, बट किसी को अच्छी नहीं लगती मेरे घर में। तो ये ऑटोमेटिक है, इट्स वेरी नाइस, बट देन इसकी खुशबू अच्छी नहीं है और ये थोड़ा सा महंगा है, इसलिए आई वॉज प्लानिंग कि मुझे थोड़ा सा मोर ड्यूरेबल समथिंग चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये लिया है, ये बहुत ही सस्ते हैं। मुझे इसका प्राइस पता नहीं है अभी, मैं भूल गई, 3-4 चीज़ें मैंने एक साथ ऑर्डर किए थे, तो आई एम वेरी हैप्पी। एंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलते हैं, इसे कहीं भी आप रख दीजिए वहीं ये खुशबू देने लगेगा, यू डोंट नीड टू लुक फॉर द प्लग एंड ऑल। तो कुछ लोग के सवाल थे कि दी कैसे आप इसमें अरोमा, मतलब आप इसे कैसे यूज़ करते हो, आप में से ज़्यादा लोगों को पता होगा कैसे करते हैं। बट मेरे वो सभी दोस्त जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जिनको नहीं पता है, ये छोटा सा क्लिप उनके लिए। यहाँ कैविटी में पानी भरना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, और इसमें इसके साथ ये आया है जैस्मिन है ये वाला, ये भी जैस्मिन ही है। मैं बेसिकली सिट्रोनेला एंड ओशन ये दो प्राइमरली यूज़ करती हूँ, बट जैस्मिन भी अच्छा ही है।
इसमें ड्रॉपर नहीं दिया, अदरवाइज ज़्यादातर जो आपके ये ऑयल्स होते हैं ना इसमें ड्रॉपर होता है, सो दैट आप 2-3 बूंद बस, बहुत ज़्यादा नहीं डालने की ज़रूरत है, आप गिन के 2-3 बूंद डाल सकें। ये नहीं डाल रही हूँ मैं, दूसरा लेकर आती हूँ मेरा वाला। ये देखिए ऐसा ड्रॉपर है ना, तो इससे क्या होता है ज़्यादा कोई बड़ी यूटिलिटी नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि यू कैन रेगुलेट द फ्लो, एकदम से बहुत सारा नहीं गिरेगा। बाय द वे ये सारी चीजें मैंने सैनिटाइज कर ली थी। एंड देन हर एक में इस तरह एक कैविटी होती है, इसके अंदर आप ये कैंडल डाल दीजिए। और ये कैंडल की वजह से धीरे धीरे ये सरफेस गर्म होगा, तो जो पानी है वो इवेपोरेट होगा, और क्योंकि पानी के अंदर ऑयल है ना तो फिर खुशबू रिलीज होगी। दैट्स हाउ इट वर्क्स। यहाँ तो बहुत ज़्यादा रोशनी इसलिए पता नहीं चल रहा, अदरवाइज मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा इसमें से रोशनी आ रहा है। जस्ट अ सेकेंड। तो ये एक जाएगा सानवी खुशी के रूम में और एक जाएगा बाहर वाले रूम में। और यस मेरा नेल पेंट देखिए, आजकल ये कलर बहुत फैशन में है, ये वाला नहीं है एक्चुअली, वो एक्वा होता है, ये टील है, पर ये मुझे पसंद आ रहा है। पालक हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन पालक सबको पसंद आया ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर पसंद आता भी है तो कुछ एक फेवरेट्स ही होते हैं सबके। आई एम गोइंग टू शेयर अ वेरी गुड पालक की रेसिपी विद यू। हाँ, यू लाइक पालक और इट इज हेट सब्जी फॉर यू? नहीं, आई लाइक पालक। मुझे भी पालक की हर सब्जी अच्छी लगती है, बट व्हेन आई वाज अ किड नो, हर सब्जी से मैंने बोला हर रेसिपी। When I was a kid, I used to hate. First favorite पालक का है पालक पनीर। यहाँ पर मेरे पास ये कल का बचा हुआ थोड़ा चावल है, तो ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऑल्सो इस चावल में थोड़ा नमक और जीरा एंड घी वगैरह है, तो बाकी चीज़ें मैं इस बात को ध्यान में रखकर ही ऐड करूंगी। एक ब्लेंडिंग जार में मैंने ले लिया है ये लेफ्ट ओवर राइस, इसके साथ मैंने लिया है ये ब्लांच्ड पालक, थोड़ा जीरा, थोड़ा अदरक, और इसमें गार्लिक नहीं जाएगा, जाता ही नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी आपको पसंद है तो आप डालिए, गार्लिक मुझे भी पसंद है पर इसमें अच्छा नहीं लगता। एंड देन हरी मिर्चें, ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, एंड सेकेंड पॉइंट मुझे इस रेसिपी में लाल मिर्चें यूज़ भी नहीं करनी है, इसलिए मैं सारी मात्रा हरी मिर्ची की ही ले रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालकर इसको एकदम ही फाइन, बिल्कुल जितना पॉसिबल है उतना फाइन पीस लीजिए। ये देखिए एकदम फाइन पीस गया है, और ये
अभी मैं एक मिक्सिंग बोल में ले लूँगी। आपके पास किसी भी तरह का लेफ़्ट ओवर राइस है ना, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर लेफ़्ट ओवर राइस नहीं है तो फिर सूजी का इस्तेमाल कीजिए, जो फाइन रवा होता है ना वो। और इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें ये 2 बड़े चम्मच बेसन, और मैं सारी चीज़ें थोड़ा हिसाब से ले रही हूँ, मतलब आई बॉल कर रही हूँ, अंदाजे से ले रही हूँ। आप आपके हिसाब से थोड़ा ले सकते हो। आपने देखा कितना चावल था, लगभग उतना ही मैंने गेहूं का आटा लिया है। सिर्फ 2 चम्मच मैंने यहाँ बेसन लिया, और ये थोड़ा मैंने प्रोटीन पाउडर ऐड किया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। देन थोड़ा सा नमक, और बस इस सबको अभी मिक्स कर लेंगे। इसमें एज सच और कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा वेजिटेबल चॉप करते वक्त या कुछ चीज़ें मिक्स करनी है या आटा गूंथते वक्त है ना, बर्तन के नीचे एक गीला टावल लगा लें। इससे वो बार बार आपके प्लेटफॉर्म पे फिसलता नहीं है और इजी आपको एग्जीक्यूशन में हेल्प मिलती है। तो मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इनिशियली थोड़ा ड्राई ही मिक्स करें, इससे लम्स बनने के चांसेस एलिमिनेट हो जाते हैं, और बाद में फिर आप जैसा चाहें उतना पानी मिला के इसको डाइल्यूट कर सकते हो। मैं बेसिकली डोसे बना रही हूँ। मुझे किसी ने कहा था इट इज़ नॉट डोसा, इट इज़ डोसा, सो आई एम कॉलिंग इट डोसा नाउ। और डोसे के हिसाब से ये बैटर थोड़ा सा थिक है, तो मैं इसे थोड़ा डाइल्यूट कर लूँगी। इस बैटर को 5-10 मिनट का रेस्ट ज़रूर दीजिएगा, मैंने जैसे दिया था आपने देखा। इसके बाद फिर लास्ट में जब आपको लगे कि अभी आपको इसे कुक करना है, उस वक्त कंसिस्टेंसी चेक कर लें, हो सके तो नमक वगैरह भी चेक कर लीजिए। पैन को सीजन कीजिए, और जिस तरह नॉर्मली डोसे बनाते हैं ना, बस वैसे ही इसको बनाना शुरू कीजिए। आप इसके ना चीले भी बना सकते हैं, चीले डोसा से थोड़े से थिक होते हैं, और हम लोग मतलब नॉर्थ इंडियन पीपल आर नॉट वेरी यू नो एफिशिएंट इन मेकिंग डोसा। इस तरह ये जो रोल करना होता है ये सबसे इजीली नहीं होता है, तो इन दैट केस आप इसका चीला भी बना सकते हैं। एंड फर्स्ट डोसा इज़ ऑलवेज अ टेस्टर डोसा, कभी भी ठीक से नहीं निकलता है, बट आफ्टर दैट यू गेट अ हैंग ऑफ इट, और आपको मतलब आइडिया लग जाता है कि बैटर किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो आगे से लाइक नेक्स्ट डोसा ऑनवर्ड आपको उसका पता चल जाता है, आप उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो पहचान जाते हो, तो अच्छे से फिर हर डोसा निकल के आता है। मेरा ये फर्स्ट डोसा है, अच्छा राउंड बना है, लेकिन आपने देखा इसमें थोड़ा थोड़ा सा शुरू में प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन इसके बाद हर डोसा बहुत अच्छे से स्प्रेड भी हुआ और कुक भी हुआ। और ये गेहूं के आटे का डोसा है, तो ये उतना क्रंची नहीं होता है जैसे नॉर्मली होते हैं, बट ये बनता बहुत अच्छा है। और आपसे जितना चाहें, जितना आप हैंडल कर सकें ना, उतना पतला कर सकते हो। और ये देखिए माय सेकंड डोसा, ये बिल्कुल सही निकला है। मैं इसमें ऊपर से घी डाल रही हूँ, आप चाहें तो बटर या तो फिर ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरफ से ठीक ठाक सेक लीजिए, आपको कन्विंस हो जाए कि हाँ ये पक चुका है उतनी देर तक, और ये फटाफट बन जाते हैं। मैं इसको डिनर में बना रही हूँ, बट आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, झटपट बन जाने वाला नाश्ता है। और जब आप इसे खाएंगे ना, तो बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि इसमें पालक है, और ऑन टॉप ऑफ इट इसका ये जो ग्रीन कलर है ना, ये बहुत अपीलिंग लगता है। इसमें बहुत सारी हेल्दी चीज़ें मैंने डाली हैं, तो इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस और टेस्टी भी बहुत था। आपने सुना खुशी को कहते हुए, उसे पालक की सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। इनफैक्ट सानवी भी, वो इतनी चूजी है खाना खाने में, बट वो पालक मेथी की हर रेसिपी खा लेती है, उसको पसंद आती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई मेक डोसे, तो मैं ये जैगरी पाउडर प्लस घी का मिक्सचर ज़रूर बनाती हूँ। शर्मा जी एंड मेरे दोनों बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और थोड़ा थाली बैलेंस हो जाती है एक स्वीट कंपोनेंट आने से, और ये डोसे फटाफट बन जाते हैं। आप इन्हें ट्राई दीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और बस इसी के साथ आ गए हम इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो और वीडियो में दिखाई गई रेसिपी पसंद आई है। जो लाल चटनी मैंने बनाई थी, इसके साथ हम लोगों ने लाल चटनी खाई थी, वो लाल चटनी का रेसिपी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दिया था। बेसिकली उसे यूज़ करने के लिए ही मैंने आज डोसे बनाए थे, मुझे वो बहुत पसंद है और मैं उसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहती थी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। लाल चटनी की रेसिपी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रख दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।